একটা কুণ্ড হয়েছে না, ওইটা কি বললো বদ্রীনাথ, এইটা হচ্ছে কেদারনাথ। মহারাজার এটা মন্দির, যখন ঔরঙ্গজেব আক্রমণ করে সমস্ত মন্দিরগুলি ভেঙে, বিশেষ করে জয়পুর নরেশ নে যে ভি মন্দির বানায়া হ্যা উস মন্দিরো কো তোড় ফোড় দেঙ্গে আর বিগ্রহ কো ভি তোড় দেঙ্গে। ইসলিয়ে ঔরঙ্গজেব বড়া ধর্মান্ধ থা, হিন্দুও কো ভি জবরদস্তি মুসলমান বনায়। কৃষ্ণ কি জন্মস্থলী কা মন্দির তোড়বা করকে উসে মসজিদ বনবায়া, বৃন্দা দেবী বৃন্দাবন মে গোবিন্দ দেবী কা মন্দির তোড়বা করকে উহাঁ পর ভি মসজিদ বনবায়া, উসি নে হরদেব কা মন্দির উপর কা চুলা তোড়বা দিয়া। ইসি তরহ সে বৃন্দাবন কো নষ্ট ভ্রষ্ট করনে পর তুলা হুয়া থা। ইসকা কারণ ইয়ে থা, জয়পুর কে নরেশ অকবর কে অকবর কো আপনি বহন কি শাদি দি থি, ইসলিয়ে সমস্ত রাজপুত উনকে বিরোধি হো গয়ে, সব রাজপুত তার বিরোধি হয়ে গেল। মহারাণা প্রতাপ ইত্যাদি আপনে পঙ্ক্তি সে উসকো হটা দিয়া, এক লাইন মে নেই খিলায়া, ইসলিয়ে আর ও ক্রোধিত হো গয়া আর অকবর কা সাথ দে করকে আপনি বান্ধ ক্যা ক্যা বাই নাম থা উসকা শাদি উসে করা দিয়া, इतना से मुसलमान बन गया। फिर उसका पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां हुआ, शाहजहां को कैद करके औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ गया। इसके बाद में शिवाजी को कैद कर लिया और दिल्ली के जेलखाने में भर दिया। तो शिवाजी और यहां का नरेश जय सिंह या मान सिंह वो उनके मित्र थे। कि हिंदुओं के ऊपर में कितना अत्याचारी औरंगजेब करता है और हमको जेल में बंद कर दिया, आप कुछ नहीं कर रहे, इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए, यदि जेलखाने से कितने तरह से निकल जाऊं तो हम इसे दिखला देंगे, इसका राज्य भ्रष्ट करके और यहां से हम लोग भगा देंगे, इसलिए मेरी सहायता कीजिए। नहीं, क्या सहायता करूं, मैं जेलखाने में बंद हूं।
और द्वादशी को मैं सब लोगों को अपने जन्म दिवस में आ रहा है द्वादशी को, इसलिए अपने द्वादशी के दिन में मैं अपना जन्म दिवस मनाऊंगा। मेरे लिए बड़ी सी टोकरी में बताशा भरवा करके भेज दीजिए जिसे मैं सबको बांटूंगा, बताशा से ऐसा इजाजत ले लीजिए। उन्होंने उनका मित्र था जयपुर का नरेश, बस उससे आदेश ले लिया और आदेश लेने के बाद में मिठाई भर करके भेज दिया। शिवाजी उसी टोकरी में बताशा हटा करके उसी में बैठ गए और ऊपर से झंपा दिया कपड़े से और जेलखाने से निकल करके चले आए। निकल करके भाग करके जब एक दिन रात हो गया जंगलों के रास्ते से और एकदम किधर से किधर निकल गए, वेश बदल लिया और उसके हाथ से निकल गए, हाथ से चिड़िया निकल करके जैसे उड़ जाती है वैसे उड़ गए। और औरंगजेब ने कहा शिवाजी सुरक्षित जेल में है? तो उसके सीआईडी ने कहा तो कभी कल ही निकल करके भाग गया। काज ने कहा कैसे भागा? उसी मिठाई के टोकरी में। ओ तो ये जयपुर नरेश का इसमें कुछ चक्रांत है, षड्यंत्र है, उसे पकड़ लो। वो पहले ही उसके पहले निकल गए और वृंदावन में जितने मंदिर में उनकी मूर्तियां थी, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोविंद जी, राधा माधव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मतलब जितने ये मूर्तियां थी, वृंदा देवी ये जो देख रही हैं ये वहीं पर थी, सबको लेकर के अलग अलग रथों में बैठा करके और वृंदावन से निकाल देंगे, ये हमसे अब शत्रु बन जाएगा और ये तोड़वाएगा मंदिरों को और मूर्तियों को, मत लेकर के चलो बस। दिल्ली नरेश उधर भूकंप दिया, जयपुर का नरेश भी भाग गया और वो भी शिवाजी भी भाग गया। अब उनको जहां भी है पकड़ो और इनको जेल खाने में लाओ, इनको हम सूली चढ़ाएंगे। और इनके जितने बने हुए मंदिर हैं ब्रज के अंदर में, जयपुर का नरेश का बहुत बड़ा भारी योगदान है। गोविंद जी का मंदिर बना है, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोविंद जी का तो दूसरा है। तो इस तरह से सब मंदिरों को तोड़ना है। बस जब सेना लेकर के आया तो उसके पहले ही सब मंदिरों से मूर्तियों लेकर के वहां से पहले आए राधा कुंड में। राधा कुंड में शाम को चले, रात हो गई, राधा कुंड में ठहरे, इसलिए गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इत्यादि का सब मंदिर वहां। फिर वहां से दूसरा पड़ाव आया, ये काम में बंद में रहे। अब ये राजस्थान की सीमा में आ गया, उनका डर है धीरे धीरे कम होता गया, सोचा जी अभी भी दिल्ली से ये निकट है इसलिए और आगे ले चले। फिर यहाँ रात में रहे, यहाँ गोविंद जी को रखा, यह गोविंद जी का मंदिर, ये वृंदा जी का, मदन मोहन का मंदिर उधर में है और गोपीनाथ जी का भी मंदिर उधर ही है। और सब ठाकुर जी को लेकर के रख करके अलग अलग पूजा करके फिर दूसरे दिन वहां से चले। फिर वहां से चलते 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 फिर धीरे धीरे में जयपुर में पहुंचे, अपने राजभवन में गोविंद जी को रखा, उसके पास ही में गोविंद मदन मोहन जी को और गोपीनाथ जी को भी रखा। गोपीनाथ जी भी अभी जयपुर में, गोविंद जी हैं, मदन मोहन उनकी लड़की लेकर के चली गई कलोनी में, उन्हीं की वो लड़की थी, अब वो अब उपहार के रूप में ले लिया। वृंदा देवी किंतु यही रही और गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सब चले गए। अब ये प्रतिभुक्त विग्रह बना के रह गए। इसके बाद में फिर जयपुर में वो सब लोग चले। इसके बाद में वहां पर जाकर के औरंगजेब से बहुत बड़ी भारी लड़ाई हुई किंतु अब कुछ कर नहीं सका। इसके बाद उस कराची में विद्रोह हो गया, फिर गड़बड़ होकर के साथ जब मूर्तियों को जो तोड़ना आरंभ किया था मंदिरों का गिराना, इसलिए उसका राज्य भी एकदम सब टूट फूट करके साफ नष्ट भ्रष्ट हो गया पीछे से और अंग्रेज लोग। तो ये वृंदा जी का मंदिर है, पहले राजकीय रूप में इसकी बड़ी भारी सेवा होती है, देखने कैसा विशाल मंदिर है। उस समय ये बहुत विशाल मंदिर था, आंगन भी बहुत प्रशस्त था। उस समय में काम्यवन बहुत ही सुंदर और मनोरम शहर था, यही वृंदावन माना जाता था। वल्लभाचार्य ने यहीं पर अपनी गद्दी बिछाई पहली और यहीं पर चंद्रमा, क्या नाम, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुल चंद्रमा जी, चंद्रमा माने गोकुल का श्रेष्ठ ने, और गोकुल के ये चंद्रमा कौन है, उनका वहां पर मंदिर बने। और भी यहाँ पर बहुत से मंदिर बने। यह पहले यहाँ पर राजधानी थी, बड़े बड़े राजाओं की राजधानी थी और बहुत ही सुंदर शहर था।
अब खंडहर ही खंडहर आपको मिलेंगे। व्यवसाय का भी बड़ा भारी केंद्र था, वो भी धीरे धीरे दूर हो गया। यहाँ पर हजारों लोग लाखों लोग यहाँ आते थे और बड़े सुंदर रूप से इसकी सेवा इत्यादि। हम लोग भी अभी 30-35 वर्ष आगे आए थे तो अभी एक कुछ रौनक तौनक थी और बड़ा सुंदर से चलता था। धीरे 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 कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसे ही काल के कराल में बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े क्या क्या कहा, मथुरा बिगड़ गया था, फिर जैसे फिर अभी बन रहा है। वृंदावन भी एकदम जंगल हो गया था, पीछे से चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में तब फिर ये। चैतन्य महाप्रभु के पहले इसी को वृंदावन आदि वृंदावन कहते थे। तब एक नई बात होती है, चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने कहा ये जमुना जी के किनारे होना चाहिए वृंदावन, यहाँ तो वृंदावन में जमुना जी नहीं है। और ही राष्ट्रस्थली कहाँ है, बंसीगढ़ भी तो वहां पर होना चाहिए, पास ही में कृष्ण का आवास भी होना चाहिए, छठी करा पासी में मथुरा होना चाहिए। सब विचार करके देखा, ये भी ब्रज है, ये ब्रज से बाहर नहीं है, ब्रज ही है, किंतु वृंदावन 16 कर्ष की परिधि में, वृंदावन से लेकर के बरसाना नंदगांव गोवर्धन सब उसके अंदर में, वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा होती है, उसके बाद में एक होती है 16 कोष वाली परिक्रमा और एक 84 कोष की इसके अंदर में, सब स्थान बड़े उन्नत। यहीं पर पांडव लोग आए, बहुत दिनों तक गुप्तवास किया, यहीं पर कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई, यहीं पर यशोदा जी का घर था, पिताजी का घर, कृष्ण यहाँ पर खेले कूदे, उच्चारण किया, लुकलुकी कुंड दिखलाया, और कितने 84 कुंड ना, कितने कुंड हैं, कितने मंदिर थे, अब वो सब इधर कहां चले गए सब। फिर समय आएगा, फिर कृष्ण की लीला होगी, फिर उस समय में फिर नए हो जाएंगे, तब एक बात करेंगे। कभी भी इन आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे, और इन आंखों का देखा हुआ सप्तम, ये तो जड़ चीजें देख सकती हैं, कृष्ण लीला कृष्ण धाम ये सर्वत्र सब समय एक ही समान रहता है, उसमें तनिक भी कोई अदल बदल नहीं होती। इटा नित्य भूमि ज्यादा श्रद्धा हो गए वही श्रद्धा अनुसार नित्य प्रकाश तहार निकट प्रकट कर दी गए। इसीलिए हम लोग यहाँ की धूली को सिर पर लेंगे। ये वृंदा देवी पहले वृंदावन में थी, चली आई वृंदा देवी का, वहां पर कोई भी दूसरा विग्रह नहीं था, तो हम लोगों के गुरु जी ने ऐसा स्फूर्ति की वृंदा देवी एक होनी चाहिए वृंदावन, इसलिए हम लोगों ने वहां पर वृंदा जी की स्थापना की। वृंदावन के लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये अलौकिक के काम हुआ, ये यहाँ पर वृंदा जी पधारे और कुंज बिहारी वहां पर, इस तरह से उसका नाम भी रख दिया गया श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ, जो वृंदावन के 84 कोष भजमंडल में उन्होंने सब प्रकाशित किया। अब हम यहाँ से कामेश्वर महादेव को जाएंगे, और कामेश्वर महादेव में जहाँ से पांडव लोग का गुप्त यहाँ पर ठहरे थे, दुर्वासा जी जहाँ पर द्रौपदी से, द्रौपदी ने वो को घड़िया उलाट उसमें से एक किनका कृष्ण को दिया था, वो स्थान यहाँ पर जक्ष और युधिष्ठिर से संवाद हुआ था, इन सब स्थानों को संक्षेप में हम आप लोगों को दिखलाएंगे। पास ही में यहाँ से दूर नहीं, यहाँ से करीब करीब 8 मील पर जंगल के रास्ते में, वन के रास्ते में 84 खंभा, तो काशी में वो रामेश्वर है, शेत बांध रामेश्वर है, लंका वहीं पर है। गोपियों ने कहा तुम बड़े झूठे मक्कार हो, तुम लबार हो, तुम्हें झूठ झूठा, तुम सब समय मिथ्या कथा बोलो, तुम्हें बोलते जैसे हमी आराम, ताले ए नदी पर एक पुल बेंदे जाओ ना सर, और बंदरों को लेकर के इसमें लगाओ तुम समझेंगे। कृष्ण ने बंसी बजाई और लाखों बंदर वहां पर उपस्थित हो गए, और कल कहां से पहाड़ सब ले आए बड़े बड़े टुकड़े, और झट एकदम पुल बांध दिया, और कृष्ण गोपियों को लेकर के इस पार से उस लंकापुरी में चले गए, शेष बांध रामेश्वर की वहां पर स्थापना की। अभी वो सब दृश्य है, अभी देखने से मालूम होता है कि ये मिनी लंका है, ये मिनी रामेश्वर है, मिनी माने क्या ऐसा अभी भी मालूम पड़ता है। कृष्ण की ये सब लीलाओं की दुनिया है,
यहाँ आने से अंततः उनकी चरण धूलि तो हमारे ऊपर में उड़ करके लगेगी। यदि हम लोग लगाए ऐसा तो भी उड़ेगी और हम लोग के सिर पर सर्वत्र लग जाएगी। हम उस धूलि कणा से वंदना करें जी, आप कृपा करके हमको राधा कृष्ण का दर्शन और लीलाओं का दर्शन करने जो की अधिकारी। अब चलिए हम लोग कान महाराज जी प्रणाम। महाराज जी हम सेवा बताते हैं, मैं भक्तों की सेवा करता हूँ, तो ये जो है कामना को सूक्ष्म बच्चा आप लोगों को सुनाऊ कामना क्या की है। सात सौ लीला है, ये ध्यान रखने की बात है। ये जितना की बैठी थी छह करोड़ साठ लीला छह सौ सिंहासन होते हमारे काम माताजी तथा के अनुसार छह करोड़ साठ लीला छह सौ सिंहासन छह साल है ध्यान आप हैं